तो आईओटी के जो फंक्शन ब्लॉक थे जिसमें हमारी है एक एप्लीकेशन, ठीक है। आईओटी के फंक्शन ब्लॉक में क्या क्या आएगा? एप्लीकेशन जिस पे हम काम करते हैं, हमें कौन से डिवाइस चाहिए, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कौन सी सर्विस, कैसे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशंस होता है, और क्या होती है हमारी सिक्योरिटी, ये आईओटी के कुछ फंक्शन ब्लॉक है। तो यहाँ पे है आईओटी की जो सिस्टम है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आईओटी सिस्टम कम्प्रोमाइज द सेवरल फंक्शन ब्लॉक। आईओटी कोई भी आप सिस्टम जब बनाओगे तो उसके कुछ फंक्शन ब्लॉक होते हैं, जैसे हर एक का अपना अपना एक काम होता है। आप वैसे भी पाइथन पढ़ चुके हो और सी लैंग्वेज भी पढ़ी है आप लोगों ने, तो उसमें फंक्शन हर एक, जैसे कोई हम बनाते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, जिसका कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है। तो आईओटी के भी कुछ फंक्शन ब्लॉक हैं जिसका अपना अपना एक टास्क होगा। तो दैट प्रोवाइड द सिस्टम कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ताकि वो उसको सिस्टम जो भी आप बना रहे हो तो कुछ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं, कुछ सेंसर सेंसिंग करने के लिए करते हैं, एक्चुएटर यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है डिवाइस, डिवाइस क्या चीज़ है। आईओटी सिस्टम कम्प्रोमाइज ऑफ डिवाइस दैट प्रोवाइड द सेंसिंग मॉनिटरिंग एक्टुएशन एंड कंट्रोल फंक्शन। तो कोई भी जो डिवाइस होगा उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि जो वो सेंस कर सके, मॉनिटर कर सके, एक्टुएट कर सके और सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो वो चीज़ें होती है डिवाइस, जो जैसे हम हार्डवेयर डिवाइस यूज करेंगे, सेंसर यूज करेंगे जो मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, तो ये सारा जो पार्ट आएगा किसके अंदर आएगा? डिवाइस। दूसरा पार्ट होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि ये फंक्शन ब्लॉक के अंदर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या है, डिवाइस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या टर्म आएगी? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में मतलब क्या है? हैंडल द कम्युनिकेशन फॉर द आईओटी सिस्टम। आप आईओटी सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए जो हमें चाहिए वो क्या है? कम्युनिकेशन सर्विस के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि आप अपने डाटा को जो भी आप जैसे कम्युनिकेट, जैसे आप और मैं आज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या आपके फोन में स्पीकर लगा हुआ है? मेरे लैपटॉप में जहाँ से मैं बोल रही हूँ अपने लैपटॉप के थ्रू, तो मेरे लैपटॉप में माइक्रोफोन, आपके फ़ोन में स्पीकर जो आपको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है। और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए नेट। कई बार मेरी वॉइस ब्रेक होती है या आप लोग भी बात कर रहे हो तो आपकी वॉइस भी ब्रेक हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से। तो हमें आईओटी सिस्टम को, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेट की बात, आईओटी डिवाइस जब बनाएंगे तो डिवाइस तो आपने ले लिया, बट डिवाइस के बीच में और आपके अपने, क्योंकि जिसमें एक हार्डवेयर होगा एक सॉफ्टवेयर, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना है, तो हमें क्या इसको हैंडल करने के लिए, तो सर्विस फॉर डिवाइस, जो जो भी आप सर्विस दोगे, ठीक है, वो डिवाइस मॉनिटरिंग होगा, उस डिवाइस को कंट्रोल करने की सर्विस होनी चाहिए, डाटा पब्लिश होगा, कोई भी हम दे रहे हैं जैसे डाटा, हम कह रहे हैं कि वो लाइट ऑन हो तो हमने एक डाटा पब्लिश किया, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस फॉर डिवाइस डिस्कवरी, और जो आपने सर्विस दी है वो जो डिवाइस है उसको डिस्कवरी करेगा, मतलब जो भी आप कमांड दे रहे हो वो उसको एक्सेप्ट करे, ले। तो ये सब चीजें किसके थ्रू होती हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू। मैनेजमेंट, अब दूसरा काम, जहाँ पे सबसे पहले हमने कि एक डिवाइस लिया, डिवाइस से कुछ कम्युनिकेट करा रहे हैं, फिर तीसरा काम क्या होगा? मैनेज, कि जो भी हम कह रहे हैं कि ये थोड़ी ना कि वो जैसे हम कह रहे हैं लाइट ऑन हो या ऑफ हो, तो उसको मैनेज भी तो करना होगा। तो यहाँ पे दिस ब्लॉक प्रोवाइड द वेरियस फंक्शन टू गवर्न द आईओटी सिस्टम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट की सिस्टम से मैनेज करेगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। एक गलत डाल रहा है, इसको बोलो कोड डालेगा, इस पे डायरेक्ट लिंक कर। एक मिनट, एक बच्चा ये डिस्टर्ब कर रहा है, जरा मैं इसको, एक मिनट रुको, ठीक है, वेट करना 2 मिनट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, तो मतलब मैनेज करने के बाद हमारे सिस्टम को जब हम मैनेज करेंगे, तो मैनेजमेंट करने के बाद अब आपने जो आईओटी डिवाइस बनाया है तो उसकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तब ब्लॉक सिक्योर द आईओटी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फंक्शन सच एस ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी एंड द डाटा सिक्योरिटी। मतलब अब आपको ऐसा डिवाइस बना रहे हो, देखिए जैसे हमने, मैंने एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर आपने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, आपने एक डिवाइस बनाया है, ठीक है, आईओटी से रिलेटेड, जैसे कि आपने क्या कि आपने थेफ्ट, जैसे जहाँ पे जैसे चोरी वगैरह होती है, तो आपने एक डिवाइस बनाया कि उसमें ना आपका हैंड मतलब आपकी फिंगर लगेगी, तो आप रूम के अंदर एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज नहीं।
और इसकी इन्फॉर्मेशन, और अगर आप करना भी इसकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई आता भी है कुछ गलत तरीके से, कोई भी अगर आपकी मतलब जो फिंगर है अगर कोई भी दूसरे तरीके मतलब कोई भी जो पर्सन है उसकी फिंगर ना होकर दूसरा पर्सन कोई लगा रहा है, तो उसके पास आपका एक मैसेज आ जाए। तो मतलब ये मैसेज आ रहा है मतलब IoT के थ्रू, अगर इंटरनेट पे होगा, मीन्स सेंसर की बात आ रही है यहाँ पे, और जहाँ पे भी ऐसी चीज़ आती है वो मतलब IoT के मतलब इंटरनेट पे आपका मैसेज आ रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटी वाली बात आ रही है। तो दिस ब्लॉक जो हम बनाएंगे IoT सिस्टम में, तो हमारा जो हम IoT सिस्टम में सिक्योरिटी अगर दे रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए। अगर जिसकी फिंगर लग रही है तो उसी से खुलना चाहिए, दूसरी की फिंगर से नहीं खुलना चाहिए। ऑथराइजेशन होना चाहिए, मैसेज मिलना चाहिए, कंटेंट इंटीग्रिटी मतलब जो डाटा है वो एकदम सिक्योर होना चाहिए, जिसका मतलब जिसने वो ऐप इंस्टॉल किया सिर्फ उसके पास मैसेज आना चाहिए, ना कि किसी और के पास। तो ये चीज़ें इसमें मैनेज करनी होती हैं। तो ये पूरा फंक्शन ब्लॉक आप जो पढ़ रहे हो IoT का, इसके अंदर हमें ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला तो आप एक डिवाइस बनाते हो, फिर उसके बाद कम्युनिकेट करवाते हो, फिर उसको मैनेज करते हो, फिर उसमें सिक्योरिटी देते हो। नेक्स्ट आती है अब एप्लीकेशन। दिस इज एन इंटरफेस दैट द यूजर कैन यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर। अब आप जो भी आपने एप्लीकेशन जो भी आपने बनाया है प्रोजेक्ट, तो अब उसको कंट्रोल तो करोगे, तो वो कंट्रोल कहाँ से करोगे? एक ऐसी एक एप्लीकेशन बनाना, जैसे आपने एक मान लो व्हाट्सएप है, आप लोगों ने आज की डेट में क्या यूज करो, आपको थोड़ी ना पता है आपके जो मैसेज है वो कहाँ जा रहे हैं। उसको आपका जो व्हाट्सएप है कोई ना कोई तो कंट्रोल करता है। व्हाट्सएप को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसी को पता है व्हाट्सएप को कौन कंट्रोल करता है? फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक, अब फेसबुक को कौन कंट्रोल कर रहा है? मार्क जुकरबर्ग। तो ऐसे ही जो मतलब वो तो अकेला बैठा नहीं, उसकी टीम बैठी हुई है पूरी, ठीक है। उसने तो फेसबुक बनाया था, अब उसने क्या पूरी टीम उसकी कंट्रोल कर रही है, वो वहां का CEO है, उसकी टीम पूरी कंट्रोल कर रही है। तो अब फेसबुक क्या है? एप्लीकेशन है। आप लोग उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो एप्लीकेशन कि जो भी ऐसा डिवाइस बनाएगा तो वो एक एप्लीकेशन भी बनाएगा, ताकि वो अपने जो भी डिवाइस आप बना रहे हो उसको कंट्रोल कर सको। तो एप्लीकेशन क्या होती है? एक वो इंटरफेस है जहाँ पे यूजर कैन यूज टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल भी कर सकता है, उसको मॉनिटर भी कर सकता है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द IoT सिस्टम। तो एप्लीकेशन ऑल्सो अलाउ यूजर टू व्यू द सिस्टम स्टेटस एंड व्यू ऑन, मतलब जो IoT का जो एप्लीकेशन होती है आप उसके थ्रू वो चेक कर सकता है, अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसी एक एप्लीकेशन बनाना है जहाँ से हम पूरे सिस्टम को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। तो ये सारी हमारे फंक्शन ब्लॉक होते हैं किसके? IoT के सिस्टम के। तो ये जो जितना भी पार्ट पड़ा है हमने, एप्लीकेशन जहाँ पे हम पूरी तरह सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मैनेज से मैनेज कर रहे हो अपने सिस्टम को, डिवाइस एक बनाते हो, कम्युनिकेट करते हो, सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें ध्यान देनी होती है। अब है कम्युनिकेशन मॉडल, ये समझ में आ गया फंक्शन ब्लॉक क्या है? ये थ्योरी थी जो अभी आपको आगे धीरे धीरे फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे प्रैक्टिकली पार्ट, अभी तो 3 यूनिट तक आप पूरा थ्योरी ही पढ़ने वाले हो। अब है कम्युनिकेशन मॉडल। अब कम्युनिकेशन मॉडल में ना हमारे कुछ मॉडल का मतलब है एक काम करने का तरीका, कम्युनिकेट करने का, जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई गूगल मीट से करेगा, ठीक है। जैसे एक तरीके क्या है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, किसी को आप हो यूपी में हो, ठीक है, आपको यूपी में एक स्टेट से यूपी के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है। अब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो उसके कई तरीके होते हैं। क्या तरीके है? या तो वो मेट्रो से जा सकता है, मेट्रो चलो है नहीं बट सॉरी, जैसे कि अगर वो ट्रेन से जा सकता है, या फिर बस से जा सकता है, या वो खुद अपने वाले उसका अपना व्हीकल है तो अपने व्हीकल से जा सकता है, या फिर ये तीन तरीके से होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके से जा सकता है, उस तरीके से, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ। तो अगर वो जा सकता है तो ऐसी हमारे पास हमें डाटा को कम्युनिकेट करना है, तो हमारे पास जो भी हम IoT डिवाइस बनाएंगे तो उसके कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने के। तो उसके मॉडल कौन कौन से हैं, ये ना आपके सिलेबस से रिलेटेड बता रही हूँ, तो ये ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन मॉडल एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन मॉडल? तो फर्स्ट इज द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो सबसे ज्यादा यूज भी होता है, आप गूगल पे क्या करते हो? आप गूगल पे भेजते हो रिक्वेस्ट, और आपको क्या मिलता है? रिस्पॉन्स। जैसे अजय पाल को मूवी देखनी है, अजय पाल ने डाली बाहुबली 2 किसके अंदर? गूगल के अंदर। अब गूगल के अंदर उसने क्या भेजी? रिक्वेस्ट। तो बाहुबली से रिलेटेड उसके अंदर जितने भी, चाहे किसी ने कमेंट डाली हो, चाहे किसी ने रिव्यू डाला हो, चाहे किसी ने मूवी डाली, चाहे किसी ने फेसबुक पे इमेज डाली हो, चाहे इमेजेस हो, वो सारी चीजें आ जाती हैं, आती हैं या नहीं आती हैं?
मैम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो और आपको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लाइंट और सर्वर का। क्लाइंट कौन है, अजय। अजय ने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स मिला, वो किसने दिया, गूगल ने। गूगल क्या है, एक सर्वर। तो कम्युनिकेशन मॉडल में फर्स्ट मॉडल आता है हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इज ए कम्युनिकेशन मॉडल इन विच द क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट। मतलब इसमें क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो क्लाइंट कौन होता है, आप लोग होते हो, आप गूगल में कुछ सर्च करते हो। तो यहाँ पे जो ये मेथड आ रहे हैं, ये सब आईओटी डिवाइस बनाने में यूज होते हैं। तो व्हेन द सर्वर रिसीव ए रिक्वेस्ट, जब सर्वर एक रिक्वेस्ट, आपने जो भी सर्वर, जैसे आप लोगों ने कुछ भी, जैसे बाहुबली मूवी लिखा, उसका एक रिस्पॉन्स मिला, तो सर्वर क्या करता है, रिसीव करता है आपकी रिक्वेस्ट और डिसाइड करता है हाउ टू रिस्पॉन्स एंड फेच द डाटा, रिट्रीव रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन, प्रिपेयर द रिस्पॉन्स एंड देन सेंड द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपने भेजी, आपने गूगल में सर्च की, उससे रिलेटेड उसने रिस्पॉन्स दे दिया, और आप किसको दे दिया, क्लाइंट को दे दिया। तो यहाँ पे जो ये मॉडल होता है, स्टेट लेस होता है। अब स्टेट लेस क्या है, यहाँ पे कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत, बस एक इंटरनेट की जरूरत थी। तो स्टेट लेस क्या है, यहाँ पे कोई आपको पर्टिकुलर क्या है, अगर उसके पास रिसोर्स में इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको रिक्वेस्ट दे, आपको रिस्पॉन्स दे देगा, नहीं तो लिखा हुआ आता है ना पेज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल होता है, जिसमें डाटा, जिसमें एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है। अगर उसके रिसोर्स में वो डाटा होगा तो वो आपको देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। इसको बोला जाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल। नेक्स्ट होता है इसके अंदर पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, दूसरा मॉडल हमारे पास क्या है, पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल। अब पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है, पब्लिक सब्सक्राइब इज ए कम्युनिकेशन मॉडल दैट इन्वॉल्व पब्लिशर ब्रोकर एंड द कंज्यूमर। ये क्या चीज़ है, जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, आपको आईओटी, अभी तो फिलहाल आप थ्योरी पढ़ते रहते हो, अब हो सकता है आपको कुछ समझ में, क्योंकि थ्योरी बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, जितना कि प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं भी ये नहीं कहती कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें, क्योंकि थ्योरी चल रही है तो इंटरेस्ट तो शायद बहुत ही कम आ रहा होगा, क्योंकि है ही थ्योरी, तो मुझे थ्योरी समझानी पड़ रही है, क्योंकि आपकी यूनिट 1, 2, 3 वही थ्योरी से रिलेटेड है। बट आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप गूगल में क्या करते हो, सर्च करते हो। तो ऐसे ही मैंने भी, जैसे मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे जो बोरिंग है कोई बात नहीं, बट पेपर में तो करना है ना हमें, तो उसको बोरिंग को ध्यान ना देके हमें फिलहाल अपने सिलेबस पे भी फोकस करना है। हर चीज प्रैक्टिकली नहीं होती, थ्योरी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बट हमारा जो सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे सलमान कुछ कर नहीं सकती, यहाँ पे आप सॉन्ग नहीं चला सकती, क्योंकि क्लास है, टॉपिक है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो बोरिंग को छोड़ो, फिलहाल हमें पेपर भी देने हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मॉडल है पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल। अब पब्लिक सब्सक्राइब, अब जितना मैं तो फिलहाल तुम्हें पढ़ा भी रही हूँ, अगर बुक से पढ़ोगे तो और भी नींद आएगी तुम्हें, यहाँ तो कम से कम ये कि कुछ सुना तो रहे तुम्हें, कि इसका मतलब ये होता है, बुक से पढ़ना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे है पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल। पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है कि देखो, हमने क्या करा, मुझे एक टॉपिक है, जैसे मुझे आईओटी के बारे में करना है, ठीक है, तो आईओटी के बारे में मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे बहुत सारी चीजें मिली। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पब्लिशर कौन हुए, हम लोग हो गए, हमने एक मैसेज भेजा, ठीक है, कोई भी टॉपिक को सर्च किया। बीच में होते हैं ब्रोकर, ब्रोकर कौन होते हैं, उन्होंने ना उस टॉपिक से रिलेटेड अपने, जैसे एक मान लो हमने एक बुक ढूंढी आईओटी के बारे में, अब आईओटी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने आईओटी की भी होती है, उसमें वेब डिजाइनिंग भी होती है, उसमें पाइथन भी होती है, वो सब क्या होते हैं, ब्रोकर। तो ब्रोकर ने ना अपने से उन वेबसाइट बना रखी होती है, या कुछ भी कह दो, ठीक है, तो ब्रोकर वो होते हैं जिन्होंने अपने सब्सक्राइबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाली होती है। तो आप कुछ भी सर्च करते हो तो उस वाली वेबसाइट पे जाते हो, और उस वेबसाइट में एक ही टॉपिक नहीं होता, मल्टीपल टॉपिक होते हैं, तो वो कौन होते हैं, ब्रोकर। तो ब्रोकर के पास सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, किसकी, कंज्यूमर की। पब्लिशर कौन है, जो पब्लिश करता है किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, से आईओटी एक टॉपिक है, पब्लिशर ने एक टॉपिक को पब्लिश किया, बट आईओटी से रिलेटेड हमें सबको ये पता है कि आईओटी एक टॉपिक होता है, बट आईओटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ब्रोकर्स ने, अपने अपनी ब्रोकर्स ने डाली हुई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या एक टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, ब्रोकर। बट ब्रोकर के, जब यहाँ पे कोई पर्सन सर्च करता है, ठीक है,
हमने आईओटी का टॉपिक बना रखा है, बट आईओटी से इन्फॉर्मेशन किसके पास है? ब्रोकर के पास है। अब कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं जो उस टॉपिक को सर्च करते हैं। हाँ, एफिलिएट ही होते हैं, ब्रोकर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो कंज्यूमर होते हैं। अब कंज्यूमर कौन है, एक नॉर्मल मैं एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे मान लो सलमान है, ठीक है। सलमान को कुछ चीज़ कोई मार्केट से, एक तो है मैं हूँ, मैंने क्या बना रखी है, बिल्डिंग बना रखी है बहुत सारी, ठीक है। सलमान को फ्लैट खरीदना है, सलमान को क्या खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। मैंने क्या बना रखी है, बिल्डिंग। अब बीच में कौन है, मैं सलमान को नहीं जानती, ठीक है, सलमान मुझे नहीं जानता है, बट उसको फ्लैट खरीदना है, मुझे फ्लैट बेचना है, सलमान को खरीदना है। अब वो फ्लैट बेचना और खरीदना, बीच में कौन आएगा, डीलर्स। और थोड़ा ना रिप्लाई करो तुम, ताकि बोर नहीं होगे, नींद नहीं आएगी। तुम लोग एक उज्जवली रिप्लाई कर रहा है और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। एक तो तुम बैठते ज्यादा हो, सोते ज्यादा हो, सारे के सारे मीडिएटर आ जाएंगे, और बीच में मीडिएटर आएंगे, बट बीच में मीडिएटर कौन है, तरह से ब्रोकर की तरह, जो वो लेन देन जो करेगा, जो भी कुछ करेगा, कि तुमसे भी कमीशन लेगा और मेरे से भी कमीशन लेगा। बट ब्रोकर के पास क्या होगी, सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रोकर के पास क्या होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि इस टाइप की घर यहाँ मिलते हैं, इस टाइप के घर वहां मिलते हैं। ब्रोकर ने सारी लिस्ट बना रखी है, ब्रोकर के पास सब कुछ है। बट जो यहाँ पे कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या किसके पास है, कंज्यूमर डायरेक्ट उसके पास नहीं जाएगा, इसकी बिल्डिंग है, कंज्यूमर डायरेक्ट किसके पास जाता है, बिल्डर। तो उसको पता है कि किसने सब्सक्राइब कर रखा है, किसने नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे वही चीज मॉडल है, द पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल। तो यहाँ पे पब्लिश होता है सब्सक्राइब, तो पब्लिशर तो सिर्फ क्या करता है, सेंड मैसेज टू अ टॉपिक, एक टॉपिक भेजता है, मैसेज पब्लिश हो जाता है, ठीक है। मैसेज पब्लिश हो रहा है, टॉपिक वन मैसेज पब्लिश, टॉपिक टू, दो टॉपिक इसने पब्लिश कर दिए। तो ब्रोकर ने क्या करा, इस टॉपिक से रिलेटेड काफी लिस्ट बना रखी है, टॉपिक टू से रिलेटेड भी काफी बना रखे। तो अब इसके, इस टॉपिक को कौन देखता है, इस टॉपिक को कौन नहीं देखता है, इसके पास, ब्रोकर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके दो कंज्यूमर देख रहे हैं, इसके पास तीन कंज्यूमर देख रहे हैं। तो यहाँ पे वही है, पब्लिक सब्सक्राइब एक कम्युनिकेशन मॉडल होता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं पब्लिशर, ब्रोकर एंड द कंज्यूमर। तो पब्लिशर आर द सोर्स ऑफ डाटा, पब्लिशर क्या होता है, जो सोर्स ऑफ डाटा, पब्लिशर सेंड द डाटा टू द टॉपिक विच आर मैनेज बाय द ब्रोकर, जो मैनेज किया जाता है ब्रोकर से। पब्लिशर आर नॉट अवेयर ऑफ द कंज्यूमर, पब्लिश अवेयर नहीं होते अपने कंज्यूमर से, कंज्यूमर से अवेयर कौन होते हैं, बीच में ब्रोकर। तो कंज्यूमर सब्सक्राइब टू द टॉपिक विच आर मैनेज बाय द ब्रोकर, काम सब ये करते हैं, बट बीच में जो ब्रोकर है वो पूरा कंट्रोल करते हैं। तो व्हेन द ब्रोकर रिसीव डाटा, जब ब्रोकर को रिसीव होता है डाटा ए टॉपिक फ्रॉम द पब्लिशर से, इट सेंड द डाटा टू द ऑल द सब्सक्राइब कंज्यूमर, कोई भी जो डाटा है वो सभी कंज्यूमर को सेंड करता है। ये सब चीजें चल के आ रही है, ये सब जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, कम्युनिकेशन मॉडल, जब आप आईओटी डिवाइस बनाओगे, इंटरनेट पे बनाओगे, आप सब क्या करते हो, आप तो एक सर्विस बना के रख दी, अब उसको क्या करोगे, कहीं ना कहीं सब लोगों तक वो सर्विस पहुंचनी भी तो चाहिए, तो ये सर्विस कौन पहुंचाएगा आपका, ब्रोकर ही तो पहुंचाएगा। तो यहाँ पे ये मॉडल समझ रहे हो आप कि कौन कौन से मॉडल होते हैं। आपने अभी पहले देखा कि कौन सा मॉडल था हमारा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला था। दूसरा मॉडल कहाँ पे हमारा भी है, पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये इसी से रिलेटेड है, ये सब थोड़ा समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्लाइंट है, सर्वर है, वही पब्लिशर ने टॉपिक लिख के ब्रोकर ने उसको पब्लिश कर दिया। यहाँ पे है पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। अब पहला जो पहला था वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स था, दूसरा वाला जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था हमारा, पब्लिश और सब्सक्राइब वाला। तीसरा मॉडल है पुश और पुल, पुश और पुल से नाम से ही समझ में आ रहा है, पुश माने किसी को धक्का मारना, यही होता है, और पुल माने किसी को खींचना, ठीक है। मैंने उज्जवल को धक्का मारा और दिव्या ने उज्जवल को पुल कर लिया, खींच लिया, तो सेम ऐसे ही। तो पुश पुल मॉडल क्या होता है, किसी को धक्का मार के किसी को खींचना, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। तो अब यहाँ पे मैं धक्का ही मारती रहूँ तो कोई ना कोई बीच में कंट्रोल करने के लिए भी तो होना चाहिए, उसको बचाने के लिए भी तो होना चाहिए, इसमें बीच में क्या आ जाती है, क्यू आ जाती है, ठीक है। तो पुश पुल इज ए कम्युनिकेशन मॉडल इन बीच द डाटा इज प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डाटा को पुश करते हैं किसमें, एक क्यू में। अगर क्यू नहीं होगी तो हर कोई देखे, अगर मान लो हम किसी को कोई डाटा को भेजे जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो होना चाहिए। मैंने कहा बीच में ना कौन है, क्यू। क्यू कहता है कि जो आप डाटा भेजोगे वो ऐसे भेजोगे लाइन बाय लाइन, ऐसे नहीं उसे एकदम भेज। तो अगर ऐसे लाइन नहीं होगी,
ठीक है, अगर इसको टिकट मिलती है, टिकट में अगर लाइन ना हो तो फिर तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी ना, हर कोई क्या है, जैसे अभी भी कोरोना चल रहा है तो लोग डॉक्टर भी कहते हैं ना कि एक एक इतने डिस्टेंस को मेंटेन करके सोशल डिस्टेंस को, तो सेम इसमें भी अगर ऐसा ना हो तो हर कोई आएगा और डाटा क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो जो दूसरा मोड हमारा तीसरा मॉडल है वो हमारा है पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। बट पुश पुल को कंट्रोल करने के लिए बीच में कौन होता है, क्यू। इसमें जो डाटा पब्लिश है सारा डाटा सेंड करता रहता है, बट सेंड किसके वे में करेगा, क्यू में, एक एक करके जाएगा, किसके पास, कंज्यूमर के पास। तो यहाँ पे जो पुश पुल है कम्युनिकेशन मॉडल, इन बीच द डाटा प्रोड्यूस पुश द डाटा टू क्यू एंड द कंज्यूमर पुल द डाटा फ्रॉम द क्यू। पब्लिशर ने भेजा, अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर डाटा को पुल करेगा, इसने पुश करा, इसने पुल करा, ये पुश पुल समझ में आ गया। पुश मतलब डाटा, क्यूज क्या है, क्या मम्मी क्यूज क्या करेगा मम्मी, ये है क्या मैम, डिवाइस होती है कुछ और है। यहाँ पे डिवाइस, ये सब चीजें ना डिवाइस नहीं पढ़ रहे, इसमें डिवाइस है या कुछ है, ये एक मेथड तरीका है सिर्फ। यहाँ पे कोई डिवाइस की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डाटा को जैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम क्लाइंट सर्वर बोला, तो यहाँ पे हमने इंटरनेट का एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ पे जब आप बात करोगे क्यू, तो बीच में कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए कोई, तो यहाँ पे आप सीखोगे कि डिवाइस होंगे तो कौन से होंगे, कहाँ से होंगे। ये सिर्फ समझा रहे हैं कि इंटरनली वर्क होता है ऐसे इस टाइप से। यहाँ पे डिवाइस नहीं दिखा रही हूँ कुछ भी, यहाँ कोई डिवाइस नहीं है, ये मेथड है, तरीके हैं, जैसे किसी काम को करने के तरीके। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया ना कि आपको मेट्रो से, आपको यूपी के किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो आप कौन से तरीके से जाओगे, आप बस के तरीके से जाओगे, आप कौन से वाले तरीके से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, आप चाहे फ्लाइट से जाओ। तो यहाँ पे भी अलग अलग एक कम्युनिकेशन मॉडल के होते हैं। जैसे हमने देखा है अगर हम नेट पे कुछ सर्च करते हैं तो वो कौन सी रिक्वेस्ट मानी जाती है, उसको बोला जाता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी पुश पुल मॉडल की, तो यहाँ पे बीच में कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए एक डाटाबेस होता है। अब ये डाटाबेस वगैरह कहाँ पे, जहाँ पे हम ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो मॉडल होंगे, तो ये सब चीजें इंटरनली चलती हैं ऐसे। ये कोई डिवाइस नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखो, यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ एक तरीके हैं ये, नाम से समझो, मॉडल, मॉडल एक नमूना, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो देख रहे हो, शायद आपको, मैं खुद कह रही हूँ कि नहीं क्लियर हो रही होंगी चीजें, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं दिखती तो है नहीं हमें, बस नाम पढ़ रहे हैं इनके हम। तो यहाँ पे क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पुश पुल मॉडल होता क्या है, पुश पुल मॉडल काम कैसे करता है, क्योंकि आप जब फोर्थ चैप्टर पे आओगे ना, तब जाके आपको शायद ये थ्योरी समझ में आने लगेगी, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में हम प्रैक्टिकली करेंगे। अभी तो मैं खुद कह रही हूँ शायद नहीं भी आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या क्यूज, क्या मैम, क्यूज क्या, क्यूज, क्यों एक लाइन है, क्यों कोई चीज नहीं है। हम डाटा, हम किसी को हम डाटा भेज रहे हैं, आप और मैं, जैसे अगर आप, हम दोनों बात, तो अभी यहाँ पे क्या, अभी पहले सलमान ने पूछा, अब आप अगर आप एक साथ सारे बोलोगे क्या मुझे समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है डाटा की हो रही है, कि पब्लिशर डाटा सेंड करता है और कंज्यूमर उसको रिसेप्ट करता है। अब पब्लिशर कौन है, अभी मैं बोल रही हूँ, तो आप, अगर हम यहाँ पे है, अगर आप सब, अगर हम सब एक साथ बोलेंगे, तो क्या किसी की बात किसी को समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इंटरनेट के ऊपर, जब हम आईओटी डिवाइस बनाएंगे वो इंटरनेट पे ही बनते हैं, तो जब डाटा इंटरनेट के थ्रू जब भेजा जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं है ना कि एक साथ सबका डाटा आएगा। तो डाटा बेस में जो डाटा जो हम कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाओगे, तो हम जैसे हमने चेक करना, जैसे स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं या एग्रीकल्चर की बात लेते हैं, तो हर किसी का डाटा कलेक्ट होता है। तो डाटा जो कलेक्ट होगा वो ऐसे नहीं होगा सबका एक साथ हो जाएगा, वो 10 by 10 डाटा कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है कि पब्लिशर डाटा सेंड करता है, कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करता है, बट कैसे एक्सेप्ट करता है, पब्लिशर ने पुश किया और कंज्यूमर ने पुल किया। यहाँ से डाटा जा रहा है वो एक लाइन में जा रहा है, क्यू का मतलब एक लाइन होती है। समझ में आया मिस्टर दीप, क्या नाम है आपका, देवेंद्र आगे मैं समझ, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी चीजें हो सकता है नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अभी आप थ्योरी के कंसेप्ट समझ लो, प्रैक्टिकल में थोड़ा आपको समझ में आने लग जाएगी चीजें। तो क्यू हेल्प पेजे क्या करता है, यहाँ पे क्यू का काम क्या है, क्यू का काम है आपके डाटा को मैनेज करना। यहाँ पे सारा डाटा ऐसा नहीं एकदम इसके पास चला गया, तो
तो क्यू इसलिए लगाई गई है, यहाँ पे जो डाटा ये सेंड कर रहा है पहले इधर जाएगा फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी, मतलब एक एक करके एक एक पर डाटा जो जा रहा है वो लाइन में ही जाएगा, ऐसे नहीं है कि एकदम सारा डाटा भेज देगा। तो क्यू ऑल्सो एक्ट एज ए बफर। अभी बफर क्या है, क्यू बफर की तरह अगर यहाँ पे लाइन क्यू मेरी फुल हो, बफर का मतलब होता है कि कोई चीज़ मेरी फुल हो जाती है तो उसको रोकता भी है। तो क्यू ऑल्सो एक्ट एज ए बफर विच हेल्प इन ए सिचुएशन वैन देर इज ए मिसमैच। जैसे कि अगर कोई डाटा है जो इसने भेजा, ठीक है, अगर इसने भेजा है और इसको वही मिलना चाहिए तो ये मैच भी करता है, ये जो भेज रहा है डाटा वो वही जा रहा है या नहीं जा रहा, किसके पास, कंज्यूमर के पास। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कौन, क्यू। अगर क्यू नहीं होगी तो ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा इस वाले मॉडल में। ये होता है हमारा पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। नेक्स्ट होता है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। आपको ध्यान रखना है पेपर में जो ये क्वेश्चन आएंगे कि क्या है कम्युनिकेशन मॉडल, कौन कौन से होते हैं, तो आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और जो डायग्राम बने हुए हैं ना ऐसे ही बनाने हैं डायग्राम। हमारा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, दूसरा है पब्लिक सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल, तीसरा है हमारा पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल एंड नेक्स्ट इज द एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। तो यहाँ पे क्या होता है एक्सक्लूसिव पेयर में, इसमें होता है डाटा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब जैसे बाई डायरेक्शनल की बात हम करें, इधर से भी डाटा जाएगा उधर से भी, तो एक डिवाइस बताओ जो बाई डायरेक्शनल होता है, बताइए कौन कौन सा डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल है। किसी ने भी बताइए, आप लोगों ने आज तक इतने डिवाइस देखे हैं कौन जिसमें दोनों तरफ से डाटा होता है, बताइए कौन सा। उज्जवल बताओ। मैं मॉनिटर। मॉनिटर और मैम फोन, जैसे मैम माइक भी है और स्पीकर भी है। जैसे आप और आज हम मैं और बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ से डाटा आ रहा है ना, इधर से भी जा रहा है और इधर से भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ। नो मैम। ठीक है, तो बाय, अगर हम ये डाटा जो होता है, एक होता है वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन वाला डाटा कौन सा होता है मैं बताती हूँ, जैसे कि आप स्पीकर है, ठीक है, जो मंदिरों में लगे होते हैं स्पीकर, जिसमें आप सुबह सुबह सोना होगा मंदिरों में, या जो लाउड स्पीकर्स होते हैं वो ए वन डायरेक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आप स्पीकर से आप, या फिर आप करते हो रेडियो सुनते हो 93.5 FM, क्या आप उसमें बोल सकते हो कुछ, सिर्फ उनकी सुनते हो तो। नो मैम, कीबोर्ड। कीबोर्ड भी है जिसे आप सिर्फ क्या दे रहे हो, एक कमांड दे रहे हो, बट कुछ आउटपुट थोड़ा दिखाई दे रहा है। जहां से हमें दोनों चीज मिले इनपुट भी हो और आउटपुट जो दोनों चीजें हो जाए यहाँ से, तो वो हमारा है बाई डायरेक्शनल। हाँ वो भी हो सकता है, बट जैसे हम मैसेजेस करते हैं तो एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं तो इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है, तो वो बाई डायरेक्शनल है। अगर हमें एक वन डायरेक्शन का अगर हम बात करें, अच्छा आप ये बताइए क्या आप शेयर इट आप लोगों ने यूज किया होगा या आपने ब्लूटूथ यूज करते हो, क्या दोनों तरफ से होता है? Yes, ma'am. कैसे होता है दोनों तरफ से? मैम हम दूसरे के डिवाइस में सेंड कर सकते हैं और वो हमें डिवाइस में सेंड कर सकता है, बट एक टाइम पे तो एक ही का होता है ना। यस मैम। ठीक है, ये चीज अब सुन लो तुम थोड़ा लोग सभी, अब ये चीज है ना आपके आगे इस वाले सेकंड चैप्टर में यही चीज है। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, अब ये समझ लो सारे। सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में डाटा जाएगा, जैसे अभी उज्जवल ने बताया कि कीबोर्ड बिल्कुल ठीक है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो मैंने अभी जो बताया था कि एक ही डायरेक्शन में डाटा जाता है, ठीक है, दूसरी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सिर्फ मैं भेज सकती हूँ वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर आप रेडियो सुनते हो तो वहां से रेडियो 93.5 FM सुनते हो तो सिर्फ आप क्या सिर्फ सुन सकते हो, क्या आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये चैनल लगा दे या ये कर दे, टीवी भी वही आएगा, आप सिर्फ सुन ही तो सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, आप रिमोट है वो बात है चैनल चेंज कर सकते हो, क्या स्टार प्लस में कुछ और लगा सकते हो? तो सिंप्लेक्स जो होता है उसमें सिर्फ डाटा एक ही डायरेक्शन में जाता है, और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है डाटा जाता तो दोनों डायरेक्शन में बट एक टाइम पे एक ही का जाएगा, जैसे आप ब्लूटूथ देखते हो या स्पीकर देखते हो, भेज तो दोनों सकते हो बट ऐसा तो नहीं है ना, अगर साइड से आप किसी को मूवी भेजते हो तो एक ही पर्सन तो भेज सकता है वो दूसरे बंदे को, वो दूसरे वाले को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं सलमान को भेज रही हूँ तो सलमान उसको एक्सेप्ट तो करेगा, सलमान उसी टाइम पे मुझे थोड़ी ना भेज सकता है, भेज सकता है बट जब वो मेरा डाटा मैंने उसको दे दिया उसके बाद वो भेजेगा, तो उसको बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स।
ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। मैम जो डाटा केबल होता है वो वन डायरेक्शनल होता है। हाँ, डाटा वन डायरेक्शन है, बट डाटा में वन डायरेक्शन क्यों? डाटा केबल में तो आप दोनों तरफ से ले सकते हो ना, मैं डाल भी सकती हूँ, कॉपी भी कर सकती हूँ, पेस्ट भी कर सकती हूँ। मैंने एक तरफ से भेजा, दूसरी तरफ से वो पेस्ट हो जाएगा, वो तो उसमें नहीं आएगा ये डाटा केबल में तो। ठीक है, तीसरा है हमारा फुल डुप्लेक्स, जहाँ पे मैं डाटा सेंड भी कर सकती हूँ और ले भी सकती हूँ, और किसी भी टाइम पे। जैसे आप और मैं अभी आप बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि हम दोनों बात नहीं कर सकते, दोनों तरफ से एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते। बट इतना है कि एक ही बात सुनने के लिए मुझे चुप बैठना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर आपको चुप बैठना पड़ रहा है। दोनों हम साथ साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, बट ऐसा है नहीं ना, बट दोनों हम एक साथ बोल सकते हैं। तो जहाँ पे दोनों टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों साइड से मैसेज भेजे जा सके या कुछ भी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फुल डुप्लेक्स, और जिसको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल में आपका यूज होता है फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब जो दोनों साइड से आप डाटा सेंड कर सकते हो। तो क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर, यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और मैसेज रिसीव होते हैं, सेंड भेजता है और रिसीव भेजता है। तो वंस द कनेक्शन इज सेट रिमेन ओपन अंटिल द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू क्लोज द कनेक्शन। तो जब तक कनेक्शन बना रहेगा, जब तक क्लाइंट उसमें रिक्वेस्ट भेजता रहता है, जब तक वो क्लोज नहीं करता। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव पेयर में ध्यान रखना है बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शन का मतलब फुल डुप्लेक्स मोड होता है, इसमें दोनों डायरेक्शन में डाटा सेंड होता रहता है। तो ये पार्ट क्लियर है, एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल में बाई डायरेक्शनल का मतलब बताइए। यस मैम। ठीक है, ये हमारी यूनिट वन थी, यूनिट वन में इतनी थ्योरी थी। अब कल से हम पढ़ेंगे यूनिट टू, क्योंकि ज्यादा थ्योरी में आप वैसे ही पकने लग जाओगे। तो यूनिट वन हमारी यहाँ पे खत्म होती है।